बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हमेशा दिखा है। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका प्रेजेंटर सैयद जफर अब्बास और आप देख रहे हैं फेस टीवी प्लस। ख़वातीन व हज़रात, हमारी कौम किस तरह की है, हमारी कौम क्या सोचती है, हमारी कौम का स्टाइल क्या है, इस बात का अंदाज़ा, फैसला कुन अंदाज़ा मैं आपको ये दिखाने लगा हूँ आज की वीडियो में। कुरान मजीद में इरशाद पाक है कि जैसी कौम वैसे हुक्मरान। अब मौलाना नामुसलाम फरमाते हैं कि अगर किसी इंसान को देखना हो तो उसके दोस्तों को देखो। लिहाजा मैं आज आपको इल्म व दानिश, अक्ल व अकल, फहम व फरासत का मंबा, मरकज जहां दानाइयां इल्मियत घर करती हैं, उस हुक्मरान से मिलाने जा रहा हूं। यानी कि आज मैं आपको आपके हुक्मरान से मिलाने जा रहा हूं और देखिएगा कि आपका हुक्मरान क्या करता है, फिर इसके बाद बात कीजिएगा। चलते हैं, पहले देखते हैं हुक्मरान साहब की हुक्मरानी। और इकबाल के शेर से अपनी बात खत्म करता हूं कि वो क्या है शेर, उस है ना कि अपना के मौज है दरिया में, बैरूनी दरिया कुछ नहीं, वो क्या उसके पहले मतलब फर्द कायम रब्ते मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं। आपने समझा है शेर मेरा? आज के दिन सोने का तगमा जताकर पूरी कौम का सर फखर से। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? दुनिया में आपने पाकिस्तान को बदनाम कर दिया, चोर डाकू लुटेरे जिनको इसका इल्म भी नहीं था उनको भी जाके आपने बता दिया के डील हुई है, जिसको कहते हैं डील, क्या कहते हैं वो, प्ली बागेन। इस नवीद इकराम ने एक खरीदने वाले को कहते मुश्तरी, चल बाहर बाहर घूमा, खरीदने वाला ये बन के गया। पंजाब में अभी तक ये नहीं आया था, ये पंजाब में आया 2013 नवंबर में। 26 उन्होंने वो लिए डेट्स, क्या कहते हैं एडजमेंट, अपने डेट्स लिए हैं। वो कहता है कि ना बजे ना रहे बांसुरी ना बजे बांसुरी, ये कहते हैं ना रहे जी ना रहे बांसुरी ना बजे बांसुरी। ये शफकत महमूद भी उसके नहीं, शफकत महमूद नहीं, वो अपना बैंक पंजाब में थे और डेफिट के मुशीर थे उन दिनों में। एक मजका खेज है जिस तरह राणा सनाला के ऊपर डाला गया अपना वो पुपड़िया डाली गई, गोगोली गोगोली डाली गई। लगता ही है पागल हो गया। हजारों किलोमीटर का के फासले हैं और एक बात अगर कहूं तो आप समझ जाएंगे कि बिजली पहुंचाने के लिए सैकड़ों मील लंबे वो तारे डालनी पड़ती हैं, ग्रिड स्टेशन इंस्टॉल करने पड़ते हैं। इसका एक ही हल है कि शमसी तवानाई, शमसी तवानाई हर कस्बे और शहर में अगर होगी तो ना तारे डालनी पड़ेंगी ना अरबों रुपए खर्च करने पड़ेंगे। ये एक मिसाल मैंने आपको इसलिए दी है कि ये शख्स जिसका नाम मोहम्मद नवाज शरीफ है, ये आज नहीं कई दिहाइयों से अल्लाह ताला के फजल करम से इन मसाइल से मुकम्मल आगाही रखते हैं। $3 अरब और $3 अरब को अगर आप आज 270 रुपए से जरब दें तो ये तकरीबन आप खुद अंदाजा लगा लें कि ये के 10-11 अपना तीन तीन ये 300 अरब, 300 कितना बनता है भैया, 300 900। तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं,
ये खबर न्यूज रात, हर क्लिप में आपने देखा, हर क्लिप में आपने देखा कि जो जो कहते हैं हम हुक्मरान खानदान हैं, तो इल्म इनके घर की लॉन्डी है। देखिए कितनी अकलमंद हमारे हुक्मरान हैं कि जिनका जब बात करते हैं तो फूल झड़ते हैं। अब मुझे नहीं पता वो फूल का नाम क्या है, फूलों का नाम आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि क्या ये हुक्मरान आपकी अक्कासी नहीं करते कि जैसे आप हैं वैसे ये हैं। लिहाजा ना आपने बदलना है ना ये बदलेंगे। इजाज़त दीजिए अपने प्रेजेंटर सैयद जफर अब्बास को, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। लेकिन रुकिए रुकिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दिया तो थैंक यू सो मच। उस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि आप मुस्कुराते रहें, हंसते रहें और ऐसे ही हुक्मरानों के पल्ले पड़ते रहें। अल्लाह हाफिज़।